हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और बैंक क्लर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई हुई थी। यस, एसबीआई क्लरिकल की वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बाकी के जो क्वेश्चन है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे एसबीआई क्लर्क के अंदर, नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, वो सभी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर पिछले वाले चेक करनी है देन यहाँ पे नीचे सीरीज का लिंक गिवन है, ज्वाइन द कोर्स, उसके अंदर आपको सभी के सभी लेक्चर्स विद पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी वेरियस शिफ्ट्स की वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। अब अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हुई थी, वर्ड प्रॉब्लम किसको कह रहे हैं हम बेसिकली, यस, कि अलग अलग टॉपिक्स के अंदर से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ दैट वर्क। अब देखो, जब भी अभी मैं वर्ड्स प्रॉब्लम करवा रही हूँ तो ध्यान रखना कि किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए थे और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो अभी सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था टाइम एंड वर्क पे से, टाइम एंड वर्क पे भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ, दैट मीन्स कि एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है वो हमने अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, तो अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है 25 डेज में और बी 40% लेस एफिशिएंट है। जब भी आपके पास में एफिशिएंसी गिवन है 1% की, तो दूसरे की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए और बी 2% है, ठीक है। अब बी 40% लेस एफिशिएंट है, दैट मींस कि अगर ए पूरा 100% एफिशिएंट है तो बी कितना हो जाएगा, 60% एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, रेशियो आ जाएगी आपके पास में 5:3। अब एफिशिएंसी की रेशियो हमारे पास है 1% का, टोटल नंबर ऑफ डेज भी हमारे पास गिवन है, दैट मींस व्हाट कि हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए के हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता है और ए का ही हमें एफिशिएंसी लेनी है, तो ये हो जाएगा 120। That means कि हमारे पास में कितना वर्क है, 125 units of work है। Okay? Clear? देखो ध्यान रखना, जब total work find out करना है तो जिसकी efficiency लोगे ना उसी का time लेना है हमने। ठीक है, अगर B का time given होता तो हम B की efficiency के साथ multiply करते total work find out करने के लिए। अब हमारे पास में A का time given है तो हमने A से total work find out कर लिया, that means कि इतने unit of works हमने करना है। Clear? ओके, अब बात आ रही है आगे क्वेश्चन के अंदर कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क। 80% ऑफ वर्क दैट मींस कितना काम करना है, 4/5। ठीक है, दैट मींस कि 80/100 हो गया सीधा सीधा, तो हो गया आपके पास में 5 × 5 = 10, 100 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखो, मैं तभी आपको कह रही थी कि यहाँ पे आपको ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे जब 4/5 करते तो सीधा ही 100 यूनिट आ जाता है आपके पास में। क्लियर, अब 100 यूनिट ऑफ वर्क दोनों ने मिलके करना है, दोनों की अगर एफिशिएंसी मैं देखूँ ए और बी की, तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से आप देख रहे हो कितने, 5 और 8, 5 + 3 कितना हो गया, 8। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे दोनों को, हाँ जी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ओके, तो ये अपने पास में आ गया 12.5 डेज। ओके, सो आंसर विल बी 12.5 डेज। क्लियर है, हाँ जी, एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। एफिशिएंसी गिवन है, टाइम गिवन है, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। अब टोटल वर्क का उसने कहा 80% करना, उसका हमने 80% ले लिया और 80% कितने टाइम में कह रहा है वो। अब एक बात का ध्यान रखो कि जब एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो टाइम की वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है, हमारे पास में 35 क्वेश्चंस के लिए ओनली 20 मिनट्स होते हैं। तो इसको डायरेक्टली करो, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे एफिशिएंसी जैसे 40% लेस दिया है, ठीक है ना,
40% कितना होता है आपके पास? यस 40% मींस 2/5। तो रेशियो अगर हमारे पास देखे तो 5:3 की रेशियो डायरेक्टली आ गई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करोगे? 5:3 आ गई। अब यहाँ पे हमें पता है कि हाँ जी टोटल वर्क कितना हो गया, 5 × 2 = 25। इसका हमें कितना लेना है? 80% लेना है। और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 8 आ गया आंसर। ओके, बस इतना सा करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये इतना सारा मैंने क्यों किया है? ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं, उनको अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हाँ जी, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, तो उसको समझाने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझाया कि ये कैसे आएगा, ठीक है। बट जब खुद ने करना है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि सिर्फ इतना ही करना पड़े आपको एग्जाम के अंदर। ओके, हाँ जी, अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है देन माइक्रो कोर्सेज से आप टाइम एंड वर्क ले सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। अगला देखो क्या है, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 71 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 73 इफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज 84 एंड द रेशियो ऑफ 6th एंड 7th नंबर इज 9:7 देन फाइंड द 6th नंबर। ये क्वेश्चन है। टोटल कितने नंबर आपके पास में? 11 नंबर्स है, ठीक है, 11 नंबर्स है। 11 नंबर्स के अंदर से कह रहा है कि जो हमारे पास में कौन से नंबर है, शुरू के 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स का रेशियो गिवन है आपके पास में 73 × 5 7। अगर हम टोटल देखें, रेशियो कितना है? 73, टोटल नंबर है 5। दैट मींस कि अगर हम इनका सम देखें तो सम कितना आ जाएगा मेरे पास में? यस, दिस इज ओके, 365 आ गया। अब ये 5 नंबर हो गए, ठीक है, 5 नंबर यहाँ तक आ गए। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपने पास में 6th नंबर और 7th नंबर। उसके बाद कह रहा है कि जो लास्ट के 4 है उनकी एवरेज है 84। मीन्स आप ये मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लास्ट के 4 नंबर्स है और इनकी रेशियो कितनी गिवन है? 84 है। टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो ये कितनी होगी आपके पास में? 84 × 4। ओके, अब एक और भी पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ये हमारे पास स्टार्टिंग के 5 का सम आ गया, ये लास्ट के 5 का सम आ गया, और अगर हम पूरे का पूरा देखें फर्स्ट से लेके 11th नंबर तक का, तो इसका एवरेज गिवन आपके पास में 71। ओके, दैट मींस कि अगर इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे तो इसका टोटल कितना हो गया हमारे पास में? यस, दिस विल बी 1, 8 एंड 7। अब देखो पूरे 11 नंबर का टोटल हमारे पास में 781, ठीक है। अब उसके अलावा स्टार्टिंग के 5 का हमारे पास टोटल है, लास्ट के 4 का टोटल है। अगर इसके अंदर से मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 6th और 7th का सम आ जाएगा। दैट मीन्स कि 6th और 7th का अगर मुझे सम फाइंड आउट करना है तो कैसे आ जाएगा? 781 माइनस दिस 365 माइनस 336। ओके ओके, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई? ये 80 आ गई। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट? टोटल हमारे पास में पता है हमें, लास्ट स्टार्टिंग के 5 का टोटल पता है, लास्ट 4 का टोटल पता है, रह गए कौन से? मिड के 2 नंबर्स रह गए, ठीक है। अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो मिड के 2 नंबर्स का हमारे पास टोटल आ जाएगा, और साथ में गिवन क्या है? मिड के जो 2 नंबर्स है 6th और 7th, इनकी रेशियो गिवन है हमारे पास में। क्या रेशियो गिवन है आपके पास? 9:7। और फाइंड आउट क्या करना है? 6th नंबर फाइंड आउट करना है, तो 6th नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? यस, दिस इज 9 डिवाइडेड बाय 16 × 80 45। हाँ जी, क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर? देखो हमने ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो ये अभी ये वाला पार्ट जो है, जितना मैंने लिखा इतना ना लिखना पड़े आप लोगों को, इतनी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी आपने बना के रखनी है, ठीक है, कि डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही आपको पहले समझ आ जाए कि करना क्या है मुझे। तो सीधा भी तो कर सकते थे ना आप, इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के सीधा इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये सारा तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। डन, डन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में। यह सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, दैट मींस कि सिंपल इंटरेस्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी ने। क्या है? आशु इन्वेस्टेड ए इन स्कीम पी एंड ए प्लस 40 रुपीज इन अनदर स्कीम क्यू। दैट मीन्स देर आर टू स्कीम्स, आशु ने दो स्कीम्स के अंदर पैसे लगाए हैं, पी और क्यू के अंदर, ठीक है। पी के अंदर उसने लगाए कितने? क्या कह रहा है? ए रुपीज लगाए, ठीक है। और एक दूसरी स्कीम है क्यू, उसके अंदर उसने कितने रुपए लगाए? ए प्लस 400 रुपीज लगाए। डन। अब साथ में क्या कह रहा है? ही गोट 10% पर एनम एंड 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द स्कीम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली।
जैसे रेस्पेक्टिवली मतलब कि सीरियल वाइज ही कह रहा है, दैट मीन्स कि जो 10% है उस इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके अब क्या है, इफ आफ्टर टू ईयर्स ही गोट टोटल 970 एज इंटरेस्ट, टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 976 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, दैट मीन्स कि इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना बन रहा है, 976 बन रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या सिंपल इंटरेस्ट सभी को पता है, पी आर टी बाई हंड्रेड, पी यहाँ पे क्या है, ए आर ये है, और टाइम दोनों में कितना है, टू ईयर्स का टाइम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट केस के अंदर कितना आ जाएगा, ए इंटू टेन इंटू टू बाई हंड्रेड, दूसरे केस में कितना आ जाएगा, ए प्लस 400 इंटू 12 इंटू 2 बाई 100 एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 976। ये इक्वेशन क्लियर है, क्या लिखा है मैंने, बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, दिस इज 20A, ठीक है, दिस इज 24A प्लस ये हो गया 24 चौके 96 इज इक्वल टू, ये 100 क्रॉस करके इधर चला जाएगा, द वैल्यू विल बी 97600, ओके। अब ये हो गया आपके पास 44A, 9600 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस दिस विल बी 88000, ओके। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 2000 रुपये, ओके कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। सिंपल था, कोई डाउट इसमें, हाँ जी सारा क्लियर है, क्या किया हमने, दोनों स्कीम्स का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करके जो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन था उसके इक्विवेलेंट पुट कर दिया, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 1/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1/4 है, दैट मीन्स कि इस लाइन से हमें मिल्क और वाटर की रेशियो मिल गई, ठीक है। अब कह रहा है कि हैड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क 40 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वुड हैव बीन 5 times ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कह रहा है कि अगर इसके अंदर 40 लीटर ऑफ मिल्क और ऐड कर दे, मीन्स जो टोटल मिक्सचर है उसमें 40 लीटर मिक्सचर उसके अंदर 40 लीटर मिल्क और ऐड कर दे, उस केस में क्या हो रहा है कि जो मिल्क है वो कितना हो रहा है, 5 times हो रहा है, किससे, वाटर से, ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे क्या है, कह रहा है इफ 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द मिल्क मिक्सचर देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मिक्सचर, तो मिल्क क्वांटिटी, तो सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टोटल मिक्सचर कितना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसी टर्म्स को हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास में, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। अब मिल्क और वाटर की अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करनी थी, कह रहा है कि वाटर 1/4 है, 1/4 है मीन्स की इतना हो गया, 1/4 है, सिंपल देखो, अगर मान लो इसमें वैसे तो अभी इस स्टेज पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर ऐसे वैल्यूज गिवन है तो, बट देखो एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए, देखो उसने क्या कहा कि वाटर इज 1/4 ऑफ मिल्क, अगर मान लो मिल्क 1 है तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, इसको क्रॉस करोगे ये 4 इधर चला जाएगा, रेशियो कितनी आ गई, 4:1, अब क्लियर है, हाँ जी अभी क्लियर है, ये क्या आ गया आपके पास में, 4:1 आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर हम इसके अंदर 40 लीटर मिल्क और ऐड कर दे, अगर हम देखें तो ये तो रेशियो आई है, अगर हम देखें तो हमारे पास में वैल्यूज कितनी आ गई, इतनी आ गई मींस 4x/x, इसको लिख सकते हो, इसमें उसने 40 लीटर क्या मिल्क ऐड किया है, हाँ जी क्या ऐड किया है, उसने मिल्क ऐड किया, तो मिल्क वाले पार्ट के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे, वाटर तो उतना ही रहेगा, अभी कितना हो गया, 5 times हो गया, 5 times हो गया, दैट मीन्स कि 5/1, ओके। अब इससे हमें क्या मिला है, 4x + 40 इज इक्वल टू 5x, सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 40 आ गई, x की वैल्यू 40 है, तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें कि मिल्क कितना है, टोटल मिक्सचर हमारे पास में है वो कितना है, हाँ जी 4x एंड x, दैट मीन्स कि 5x, दैट मीन्स 5 × 40, 200 लीटर मिक्सचर है हमारे पास में, कितना है, 200 लीटर मिक्सचर। उसने कहा कि 20 लीटर उसमें से निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग मिक्सचर है हमारे पास वो कितना आ गया, 200 - 20 = 180। अब इसके अंदर से बताओ मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर की रेशियो है हमारे पास में कितनी है, 4:1,
दैट मीन्स कितना हो गया 4/5 इंटू 180। ओके तो हो जाएगा आपके पास में 144 लीटर। डन? हाँ जी बताइए, क्लियर? 144 लीटर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद सम इन्वेस्टमेंट। ए ने बिजनेस शुरू किया कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ में। अब यहाँ पे सम है, वैल्यू मेंशन नहीं है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस एंड बी जॉइन बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाई ए एंड एट द सेम टाइम सी ऑल्सो जॉइन्स द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3/2 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए। ओके, नाउ गिवन दैट इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 1000, दोनों के जो प्रॉफिट का शेयर का डिफरेंस है दैट इज 1000, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम। तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है? ओके, क्वेश्चन क्लियर है? तो पार्टनरशिप में होता क्या है कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट और टाइम की रेशियो है, इन दैट केस जो प्रॉफिट की रेशियो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप उससे इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है, आप टोटल प्रॉफिट में इस पर्टिकुलर पर्सन का शेयर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप क्या गिवन है आपके पास में, कह रहे ए ने कुछ पैसे लगाए। पहले तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी टाइम एंड इन्वेस्टमेंट की। तो अब यहाँ पे देखो, ए ने कुछ अमाउंट लगाई है, यहाँ पे सम इन्वेस्टमेंट है, तो अब इसको आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। आप इसको 1 भी ले सकते हो, आप इसको एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू भी ले सकते हैं कि मेरी वैल्यूज प्रॉपर कैंसिल आउट हो जाए, मेरी फ्रैक्शन में वैल्यूज ना आए। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पे देखिए, अपने पास में जो दूसरी वैल्यूज थी ना बेटा, वो कितनी है, 2/5 है और तीसरे पर्सन की 2/3 है। दैट मीन्स कि कोई अगर हम ऐसी वैल्यू ले ले कि जो इसको कैंसिल आउट कर दे, तो वो कौन सी होगी? इसके एलसीएम के इक्वल आप ले सकते हो। जब रेशियो की बात आ रही, तो उस केस के अंदर जो वैल्यू है आपकी, वैसे तो कैंसिल आउट ही हो जानी होती है, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो, 10x लेना चाहे 10x ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। x की जरूरत नहीं, क्योंकि x तो कैंसिल आउट ही होना है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, हमने 10 ले लिया इसको। पॉइंट क्लियर है, 10 क्यों लिया? डन। तो अगर मैं देखूं b की वैल्यू, अगर a ने 10 लगाया तो b ने कितना लगाया, 2/5। 2/5 मतलब कितना हो गया, 10 × 2/5, 4 लगाया, सिंपल सा। इसी तरह से c ने कितना लगाया, 10 × 3/2। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है, ये आ गया आपके पास में 4 और ये आ गया आपके पास में 15। अब ए ने लगाया कितने टाइम के लिए, बनी 4 मंथ्स के लिए। स्टार्टेड आफ्टर 4 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस, दैट मीन्स कि इसने लगाया 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसने लगाया है 8 मंथ्स के लिए और इसने लगाया है अगेन 8 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं अब इजिली। 4 से ये देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया अपने पास में 2। तो अपने पास रेशियो आ गई है ये, फिर अगेन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये हो गया 5 एंड 4। दैट मीन्स रेशियो क्या आ गई, 5, 4 एंड 15। ओके, रेशियो आ गई तीनों की। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि ए और सी के डिफरेंस गिवन है प्रॉफिट का। अब जो प्रॉफिट है किस रेशियो में डिवाइड होगी, 5, 4 एंड 15 में। अब ये ए है, बी है और सी है, तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने यूनिट्स का है ए एंड सी का, 15 - 5, दैट मीन्स कि 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। और ये जो 10 यूनिट्स है, ये हमारे क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 1000 के। दैट मीन्स कि 1 यूनिट किसके इक्वल होगी हमारे पास, 100 के। और अब यहाँ पे देखो टोटल कितना है, टोटल 5, 4, 9, 24। दैट मीन्स कि 24 यूनिट्स किसके इक्वल होगी, 100 × 24, दैट मीन्स 2400। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 2400 आ गया। हाँ जी बताएंगे, क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हाँ जी, कोई भी डाउट? क्या किया हमने यहाँ पे, आप इसको x भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो सेम ही आएगी। देखो बेटा, देखो अगर मैं कहती हूँ कि इसने लगाया x, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 4 मंथ्स के लिए। इसने कितना लगाया है, 2/5 x into 8 मंथ्स,
इसने कितना लगाया 3/2x इंटू 8 months, यही है ओके। तो अब देखिए, हाँ जी, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में, नेक्स्ट क्या है, अब इसको कैंसिल आउट करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब अगेन ये देखो, ये यहाँ से अपने पास में 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम इसको इधर से लेके जाते हैं वैल्यूज को, तो ये हो गया आपके पास में 2, ये हो गया आपके पास में 2 से, ये हो गया हमारे पास 4, ओके। अब देखो रेशियो क्या बनेगी, ये 5 है तो 5 एलसीएम है एक तरह से लेंगे, तो ये क्रॉस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और इसके साथ में क्रॉस करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो अगेन रेशियो कितनी आ रही है, सेम रेशियो आ रही है, ओके। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी, ए पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, 10% टू हिज डॉटर, 50% ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन द स्कीम एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड इन वेरियस एक्सपेंसेस, रेस्ट अमाउंट ही सेव्स, इफ द स्पेंड 4500 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गिव्स हिज वाइफ एंड हिज सेविंग, दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना परसेंटेज के अंदर, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, इन दैट केस आप डायरेक्टरी मेथड यूज करो, क्या कि हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई उसकी जो टोटल सैलरी है कितनी है 100 रुपीज, ठीक है। 100 क्यों ले रहे, क्योंकि परसेंटेज से 100 में कैलकुलेशन करना आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा, ही गिव्स 10% टू हिज वाइफ, वाइफ को कितना दिया 10%, दैट मीन्स कि 100 में से 10, ओके। उसके बाद कह रहा है कि 10% डॉटर्स को दिए, दैट मीन्स कि डॉटर्स को कितना दिया 10, और रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास में 80, भाई 20% दे दिया, बच गया कितना 80% बच गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 50% ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन ए स्कीम, इसका 50% एक पर्टिकुलर स्कीम में उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कितना 50%, दैट मीन्स कि 40 उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब आगे क्या, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पे आप रिमेनिंग ले लो, रिमेनिंग कितना बच गया 40%। अब इस 40% का 30% उसने वेरियस एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस में कितना खर्च कर दिया उसने 30%, 40 का 30% कितना हो गया 12, रिमेनिंग कितना है, हाँ जी अगेन रिमेनिंग कितना रह जाएगा उसके पास में, 40% उसने खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि सॉरी 30% उसने खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि 12 उसने खर्च कर दिया, ठीक है। बच गया कितना 70%, दैट मीन्स कि 28 उसके पास रिमेनिंग है, हाँ जी। ये ट्रिक क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आगे हमें गिवन क्या है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या गिवन, ही स्पेंट 45 इन वेरियस एक्सपेंसेस, अब वेरियस एक्सपेंसेस हमारे पास क्या आया है 12 यूनिट। अब इस 12 यूनिट को इसके इक्विवेलेंट पुट करना है, ठीक है, दैट मींस कि ये जो मेरी 12 यूनिट्स आई हैं ये किसके इक्वल है 4500 के इक्वल है, दैट मींस कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगी 45/12 के इक्वल होगी, ओके। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गिव्स टू हिज वाइफ, वाइफ को कितना दिया उसने 10%, एंड सेविंग कितनी थी उसकी 28, दैट मींस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 28 - 10 18, ठीक है, 28 - 10 दैट मींस कि 18 हो गया, यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगी 4500/12×18, ओके। क्लियर, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 0 6750 या 6750, बिल्कुल क्लियर है। ये देखो कि पूरा हमने जैसे जैसे उसकी डिविडेशन हो रही है आपके पास में क्वेश्चन की, वैसे वैसे हमने उसकी टोटल अर्निंग को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो गिवन है वो आपने देखना है, जो गिवन है वो यहाँ पे देखो कि हाँ जी किसके इक्विवेलेंट गिवन है, उसको इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो हमारे पास में
एक पर्टिकुलर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने ये देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट इसके रेफरेंस में चेक करेंगे और फिर उतने ही यूनिट के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वन की वैल्यू आ गई, जो फाइंड आउट करना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज बी जॉइन हिम, इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म होगा, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, ए 16 डेज में वर्क कर रहे हैं, बी जो है वो 12 डेज। अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था टाइम एंड वर्क का, दैट मीन्स कि टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन आए हुए थे आपके एसबीआई क्लर्क के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना। टोटल वर्क अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके एलसीएम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ए की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी की कितनी होगी, 48 डिवाइडेड बाई 16 3, बी की कितनी होगी, 48 डिवाइडेड बाई 12। ओके, अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास में, वर्क डन पर डे, एक दिन के अंदर कितना काम हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। अब उसने कहा है कि ए ने काम शुरू किया और 12 दिन के बाद बी ने ज्वाइन किया, दैट मींस कि 12 डेज के अंदर ए ने कितना काम कर दिया, कितने यूनिट ऑफ वर्क कर दिया, ए एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो 12 डेज में कितनी यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगी, 36 यूनिट्स ऑफ वर्क उसने कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अपने पास में जो टोटल वर्क है वो कितना, 48 यूनिट्स है, जिसके अंदर से ए ऑलरेडी कितना 12 दिन में 36 यूनिट्स कंप्लीट कर चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया आपके पास में 12 यूनिट्स। अब बी ने भी ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स कि अब दोनों मिलके काम करेंगे, तो अभी टाइम कितना लगेगा उन दोनों को, जो आपके पास में रिमेनिंग वर्क है डिवाइडेड बाई दोनों की एफिशिएंसी, अब लोगे दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1:5/7। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम पहले भी 12 दिन लगे उसको, ठीक है, एक दिन और 5/7 डेज एक और लगे, तो टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना लगा, 12 + 1/5/7, इसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कितना आ गया, 13:5/7। ओके, यस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए इंक्रीज्ड बाय 12% फ्रॉम 2012 to 2013। ओके, नंबर ऑफ मेल वाज सेम इन बोथ द ईयर्स, दोनों केसेस के अंदर मेल जो है वो तो दोनों में कह रहा है कि सेम ही है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 20 to 20 फ्रॉम 2012 to 2013, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2013। 2013 में बताओ कि पॉपुलेशन कितनी थी विलेज की, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी भी विलेज की, अब उसके अंदर जब कुछ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि मेल इंक्रीज हो रहा है, फीमेल इंक्रीज हो रही है, अगर मैं उसके अंदर इंक्रीज ऐड कर दूं तो मेरे पास में जो नई पॉपुलेशन है वो आ जाएगी, नई पॉपुलेशन आ जाएगी। अब यही इसमें करना है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इंक्रीज बाई 12% इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि 2012 में अगर 100 थी तो 2013 के अंदर कितनी हो गई वो, हाँ जी 112 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक पर्टिकुलर वैल्यू भी गिवन है, जब वैल्यू के अंदर साथ में एडअप करना है ना, तो वहाँ पे आप साथ में एक्स ले लिया करो, दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी इसकी पॉपुलेशन। ओके, क्लियर। अब देखो बढ़ी कितनी है, बढ़ी कितनी है भाई, 100x थी, 100x से 112x होगी, दैट मींस कि 12x बढ़ गई। अभी जो 12x बढ़ा है वो किसके इक्वल होगा, भाई जितने भी मेल बढ़े हैं और फीमेल्स इंक्रीज हुई हैं। अब मेल्स क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ मेल्स वाज सेम, मींस कि नंबर ऑफ मेल तो इंक्रीज हुए ही नहीं, दैट मींस कि जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, फीमेल के इक्वल ही हुई है, That means this is equal to what? 2220. Okay, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में? Yes, x की वैल्यू आ गई आपके पास में divided by 12. Okay, तो हो जाएगी 12 एकम 12,
ठीक है, 12 8 96 12 60 185 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 185 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है 2013 में पॉपुलेशन कितनी, 2013 में पॉपुलेशन कितनी है 112x, दैट मीन्स कि 2013 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी, 185 × 112। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 20720। ओके, सो आंसर विल बी 2720। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर? यहाँ पे सिर्फ ना कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है ये सिंपल। ये भी कह सकता था कि हाँ जी इतना इंक्रीज हुआ है, बट उसने कहा है कि मेल उतने के उतने ही हैं, सिर्फ फीमेल्स इतनी इंक्रीज हुई है, तो सिंपल समझने वाली बात है भी, टोटल इंक्रीज तो उतना ही होगा ना। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 300 से मार्कअप किया गया है। इफ डिस्काउंट 20% इज ऑफर्ड, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इज 28%। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर 10% डिस्काउंट पे उसको बेचेंगे तो कितना सेलिंग प्राइस रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है? देखो, जब भी आपके पास में डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन है ना, तो डायरेक्ट सोचो कि मैंने रेशियो मेथड यूज करना। ठीक है, रेशियो मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास में डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एसपी एंड एमपी। और जब आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, दैट मींस कि फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। अब जब सीपीएसपी की रेशियो एसपीएमपी की रेशियो, दैट मींस कि हम कलेक्टिवली सीपीएसपी और एमपी की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब पहले मैं बताती हूँ कैसे, ध्यान से समझेंगे एक बार। रेशियो मेथड एक बार समझ लो आप, उसके बाद में आप ये कहोगे कि इजीएस्ट मेथड है रेशियो का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सीपीएसपी एंड एमपी, अब पहले मैंने क्या कहा, प्रॉफिट गिवन है अगर, तो सीपीएसपी की आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो 28%। 28% किसके इक्विलेंट है, हाँ जी 28% किसके इक्विलेंट हो गया आपका, सीधा आपको अगर वैल्यूज लर्न है, वैल्यूज लर्न है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हाँ जी 4% इज इक्विलेंट टू 1/25, तो ये कितना हो गया 7/25 हो गया। डायरेक्टली लिख सकते हो आप, डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आपको लर्न नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, याद कर लीजिएगा बट, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बच्चे टाइम की शॉर्टेज होती है आपके पास में। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, यही आ गया, यही बताया मैंने आपको। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो वैल्यू है, दिस इज सीपी, ये सीपी, ठीक है, और ये हो गया प्रॉफिट, सीपी और ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। तो रेशियो क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी सीपी और एसपी की रेशियो क्या आ गई, इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, कितना आ गया 32। ओके, तो सीपीएसपी की रेशियो क्या आ गई हमारे पास 25:32। देन इसी तरह से अब मैंने फाइंड आउट करने किसकी रेशियो, हाँ जी अब हमने डिस्काउंट देखना है, डिस्काउंट कितना है 20%, दैट मीन्स 1/5, दैट मीन्स व्हाट, ये सीपी था बेटा, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। ओके, जब भी डिस्काउंट गिवन होता है ये क्या होता है एमपी, ये होता है डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, तो डिस्काउंट हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो रेशियो क्या आ गई मेरे पास में एसपी और एमपी की 4:1। डन, क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगी। देखो जो आपका कैंसिल आउट होता है वो तो आप कैंसिल आउट कर लो, ये आपने पास में रेशियो आ जाएगी 25:32 और यहाँ से 8 × 5 = 40, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी तो ये आ गया आपके पास 8 × 5 = 40। पॉइंट क्लियर है? देखो यहाँ से इसको मैं यहाँ लिखूंगी, 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 32, ठीक है, 4 × 8 = 32, 8 × 5 = 40, ये आ गया, क्लियर? देखो दोबारा से बताती हूँ, अगर इस तरह से भी नहीं क्लियर हो रहा, देखो कैसे करते हैं, जब भी इस तरह से वैल्यूज गिवन होती है ना बेटा, इस वैल्यू को इधर लिख लो आप, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख लो,
अब इनको फाइनली हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में कैंसिल आउट करना। जब कैंसिल आउट करोगे, देखो चार यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, चार यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, चार से ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो क्या आ गई, 25 रेशियो 32 रेशियो 40। डन। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, गिवन क्या है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 300, 300 से मार्क अप किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने से अप किया है, यहाँ से अगर हम देखें तो 25 से 40, दैट मीन्स कि 15 यूनिट का डिफरेंस है। तो जो 15 यूनिट है यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ जी कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 15 यूनिट्स का डिफरेंस है, ओके। और ये जो 15 यूनिट्स हैं ये हमारे क्वेश्चन में हमें किसके इक्वल गिवन है, 300 के। दैट मींस कि 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया आपके पास में, 20 के इक्वल हो गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है कि एसपी बताओ अगर डिस्काउंट कितना है, 10%। पहले एसपी देखो, एसपी कितना है हमारे पास में, 32 एसपी है। दैट मींस कि 32 की यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 × 20, 640 आ गया आपके पास में। हाँ जी कितना आ गया, 640 आ गया। अब वो कह रहा है, हाँ जी एसपी आ गया 640, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि एसपी कब चाहिए, जब 10% का डिस्काउंट देना, और डिस्काउंट किस पे देते हैं हम, एमपी पे देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एसपी, ठीक है। एमपी अगर मैं देखूँ तो एमपी यहाँ पे कितना है, 40। तो अगर हम 40 की यूनिट की वैल्यू देखते तो 40 × 20, दैट मीन्स 800 आ गया, 800 आ गया। अब डिस्काउंट कितना देना है, 10%। तो जो नया एसपी आएगा वो कितना आएगा, 800 × 90/100, ओके 720। तो आंसर कितना आ जाएगा, 720 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इसकी जरूरत नहीं थी आपको कैलकुलेट करने की, इसको हम कब कैलकुलेट करते, अगर आपके पास में गिवन होता कि हाँ जी जो ओल्ड एसपी है वो बताओ, न्यू एसपी बताओ, ठीक है। तो ये एसपी आया है इसके अकॉर्डिंग, और ये जो है दूसरा जो इन्होंने पूछा हुआ वो 10% डिस्काउंट पे पूछा हुआ है। तो डिस्काउंट पे पूछा, सबसे पहले क्या निकालोगे, एमपी, और उसके बाद एसपी। अभी आपको लगा होगा क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि पहले मैंने आपको मेथड सिखाया है, ठीक है ना। अगर ये मेथड आपको क्लियर है उसके बाद में आपको बहुत ईजी मेथड से आप इसको कर पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, स्पीड ऑफ द बोट कितना है, 16 किलोमीटर, मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर हम स्ट्रीम की स्पीड कंसीडर करके चलते हैं कि स्ट्रीम है एस, ठीक है, तो आपके पास में बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, एस प्लस 16, ओके। अब उसने कहा है कि जो टाइम है, टाइम टेकन दो दोनों में है वो गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो पहला केस क्या है, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं हम। टाइम कितना लगेगा, 36 डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम की, डाउन स्पीड की स्ट्रीम क्या होगी, डाउन में दोनों ऐड हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस 16, दैट मीन्स कितना हो गया, 2s + 16 इज इक्वल टू व्हाट, कह रहा है कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब अपस्ट्रीम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे कितना आ गया आपके पास में, 16। सिंपल, हाँ जी अब सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आपके पास में 12 × 36, 12 × 24, 2 × 8, ओके। तो ये हो गया 8 × 24, 2s = 24 − 16 = 8, दैट मीन्स एस की यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई है, 4, ओके। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आर। अब देखो अलग अलग टॉपिक्स में से वर्ड प्रॉब्लम्स आई हुई है, दैट मीन्स कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। ये क्वेश्चन क्लियर है, देखो हमने कुछ नहीं किया, मैंने टाइम्स को इक्वल किया, उसने कहा ना कि टाइम इक्वल है, तो इसका टाइम ले लिया मैंने और जो दूसरा टाइम है वो वाला टाइम ले लिया। दोनों केसेस में टाइम तो इक्वल है,
जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है हमारे पास में वो क्या होती है? हाँ जी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? उसके अंदर बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। और जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ओके, यही किया है मैंने, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया, सिंपल। यस, हाँ जी। तो देखो, अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस आए हुए थे। वर्ड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं बच्चे वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? तो आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको कराया हुआ है। वीडियो लेक्चर्स की आपको जरूरत है, देन इन दैट केस यू कैन टेक वीडियो लेक्चर। स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टडी नोट्स ले सकते हो। अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ रह गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के ऑफ SBI की इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।